एक नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल में बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इंफॉमेसन या नॉलेज एक्विजिशन और उसकी एप्लीकेशन इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं ये हमारा टॉपिक है अब इसमें शामिल क्या है कि नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग यानी नॉलेज जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स से एक एम्प्लॉई के एक वर्कर के जहन तक आए और फिर अप्लाइंग का मतलब है मेकिंग यूज़ ऑफ दैट नॉलेज कि नॉलेज हासिल करना अपने दिमाग का हिस्सा बनाना और फिर उसको यूज़ करना इसको हम नॉलेज एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन कहते हैं और इसके लिए बेशुमार टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से जो चंद एक मशहूर हैं या कॉमन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली मिसाल ई लर्निंग सिस्टम्स की है दी सिस्टम्स प्रोवाइड हेल्प इन लर्निंग कंप्रीहशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू नॉलेज इसके बाद डाटा बेस की मिसाल है डाटा बेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस लर्न एंड एंड स्टोरीज कैन हेल्प टू अप्लाई नॉलेज दैट वॉज कैप्चर्ड एंड कोडिफाइड फ्राम एक्सपर्ट्स इसकी तफसील भी आगे जाके देखेंगे उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं एंड डिसटम्स हैं दी सिस्टम हेल्प अप्लाई द अप्लाई द नॉलेज ऑन द जॉब कि जॉब में काम करते हुए नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है इसके बाद एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं दे आर यूज टू पर्सनलाइज नॉलेज कॉन्टेंट पुश और पुल कि पुश और पुल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से नॉलेज uh, को एक्वायर कैसे करना है उसके बाद रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं दे रिकमेंड कॉन्टेंट टू यूजर्स दैट अदर्स हैव फाउंड टू बी यूजफुल टू एक्वायर एंड अप्लाई इसके बाद नॉलेज मैप्स हैं इनका काम यह है और इसके साथ साथ विजुलाइजेशन टूल्स भी हैं इनका काम यह है कि टू हेल्प बेटर एक्वायर एंड अप्लाई वैल्यूएबल नॉलेज कि कैसे आपने नॉलेज को जो है वो एक ग्राफ या चार्ट पे लाना है और उसके बाद उसका यूज़ करना है उसके बाद टूल्स ड्राइव फ्राम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस दीज टूल्स ऑटोमेट प्रोसेस एज टेक्स्ट समराइजेशन कंटेंट क्लासिफिकेशन एंड कंटेंट सिलेक्शन और जब हम इन टेक्नोलॉजीज़ में से कुछ को तफसल में देखते हैं तो सबसे पहले ई लर्निंग एप्लीकेशनज़ हैं इसमें कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग यानी सी आती है इसमें वेब बेस्ड ट्रेनिंग या डब्ल्यू आती है इनका मकसद क्या होता है कि ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट देना फॉर लर्नर्स कि वो कम्प्यूटर की मदद से या नेटवर्क की मदद से लर्निंग करें या ट्रेनिंग हासिल करें आजकल के दौर में क्या होता है कि कोर्सेज कैन बी डिलीवर्ड वाया द इंटरनेट और वेब और द कंपनी इंट्रेट इसको आप लोकली भी कर सकते हैं या आप इंटरनेट के ऊपर या एक्सट्रानेट के ऊपर दे सकते हैं द पर्टिकुलर नॉलेज एंड नो हाउ टू बी एक्वायर्ड कैन बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली फैशन और टाइमली मैनर इन ऑर्डर टू सपोर्ट नॉलेज एक्विजिशन के नॉलेज को सिखाने का जो काम है बड़े टाइमली मैनर में आसानी से हो सकता है ई लर्निंग एप्लीकेशन के ज़रिए से उसके बाद डाटा की मिसाल है डाटा uh, बेस क्या है अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज सिस्टम और रिपोजिटरी। डाटा बेस अलाउज़ फॉर ईजी फाइंडिंग एंड रिट्रीविंग। इंफॉर्मेशन को एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका ऐसा होता है कि उसकी फाइंडिंग और उसका रिट्रीवल जो है वो आसान हो जाता है उसमें एक टैगिंग सिस्टम होता है एक टेक्सानोमी का सिस्टम होता है कि जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम किसी डाटा बेस में शामिल करते हैं या उसमें हम स्टोर करते हैं उसको एक कैटलॉग की तरह का एक सिस्टम बना के दिया जाता है कि हर जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो एक टेक्सानोमी की मदद से एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की मदद से उसके साथ दी जाए ईच टैग सर्व एज सर्च टर्म उसमें जो भी टैग किया जाता है उस टैग को फिर बाद में सर्चिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेटा बेस आर ऑफ टू टाइप्स और टू काइंड्स। लेसन लर्न का डाटा हो सकता है या फिर एक्सपर्टीज लोकेशन सिस्टम कि जिसमें uh, किस इंसान के पास किस एम्प्लॉय के पास कौन सी एक्सपर्टीज़ है उसका डाटा बनाया जाता है डिसी सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं कि दीज सिस्टम्स फैसिलिटेट ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग दी सिस्टम्स प्रोवाइड टूल्स फॉर ब्रेन स्टॉमिंग आइडियाज़ पुटिंग वेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ ऑन इवेंट्स एंड अल्टरनेटिव्स एंड वोटिंग तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ इन सिस्टम्स में दी जाती हैं और इनका मकसद क्या होता है कि सच सिस्टम्स इनेबल मोर रैशनल एंड इवन हैंडेड डिसीजंस के डिसीजंस करने में जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो सामने आए और उसकी बुनियाद पे एक इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग की जाए इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रोड्यूस किया इसमें ऑटोमेटेड रीजनिंग सिस्टम आ जाते हैं इसमें एक्सपर्ट सिस्टम आ जाते हैं इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है इसमें लिंग्विस्टिक टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स आ जाती हैं जैसे कि वॉइस इंटरफेस हैं या नेचुरल लैंग्वेज क्यूरीज़ या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है इसमें फिर ऑटोमेटेड टेक्नोमी टूल्स हैं कि जो इंफॉर्मेशन के कंटेंट को देख के तो ऑटोमेटिकली उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं इसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट्स का कंसेप्ट है या ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इनको सॉफ्टवेयर रोबोट्स या सॉफ्ट बोर्ड्स भी कहा जाता है इनका मकसद ये होता है कि दे आर यूज इन इंफॉर्मेशन सर्चिंग रिट्रींग एंड फिल्टरिंग टास्क और हम नेक्स्ट मॉड्यूल में इस पर तफ़ील से भी बात करेंगे